बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस, पाकिस्तान लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं मलिक मोहम्मद आसिफ करम एडवोकेट। सबसे पहले तो मैं इस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक शानदार प्लेटफॉर्म जो है वो एक यूथ के लिए और एक आम पाकिस्तानी के लिए मुहैया किया, ताकि हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके अंदर लॉ के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, ताकि वो अपने हकूक को अच्छे तरीके से अपने राइट्स के लिए लड़ सकें, अपने हकूक हासिल कर सकें, या जो लॉ के अंदर दी गई सहूलियात हैं उनसे मुस्तफीद होकर अपने मुस्तकबिल को जो है वो महफूज बना सके। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था जो कि इंतजामिया ने लिया, और मैं इंतजामिया को इसके ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमें जो ये एक लेक्चर सीरीज पाकिस्तान लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाई, उसके ऊपर हमारा और आपका साथ रहेगा फॉरेंसिक साइंस या मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। तो हम आगाज करते हैं अपनी आज की इस नशिस्त का कि किस तरह से जो फॉरेंसिक साइंस, जिसके कई नाम नामों से इसको जो है वो पुकारा जाता है, तो ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ये किस तरह से हमें फायदा दे सकती है, और क्या इस साइंस को इस्तेमाल करके हम कौन से जो फायदे हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरेंसिक साइंस है क्या और ये किस तरह से हमारे लिए फायदामंद साबित हो सकती है। तो बात करते हैं हम फॉरेंसिक साइंस के हवाले से कि फॉरेंसिक साइंस किस तरह से हमारे लिए फायदामंद साबित हो सकती है। हम माफी चाहते हैं, थोड़ा हमें ऑडियो का इश्यू है शायद, तो हम इसको फिक्स कर लें। हेलो, हेलो, हेलो जी, ऑडियो के लिए हम माजरत खाएं। तो हम बात कर रहे थे कि फॉरेंसिक साइंस बेसिकली है क्या। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये साइंस हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है और इसके मकासद क्या है। तो फॉरेंसिक साइंस, इसको मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर या मुख्तलिफ कवानीन के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से इसको पुकारा जाता है। जैसे इसको पैथोलॉजी साइंस भी कहा जाता है, इसको फॉरेंसिक साइंस भी कहा जाता है, इसको साइंस ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, इसको साइंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस भी कहा जाता है। तो ये इसके सारे नाम हैं और फर्दर हम अब आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ये कैसे हमारे लिए कारगर साबित हो सकती है। अभी इसमें जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि हमारा माशरा, जहां इसके अंदर दीगर कई कवानीन हैं, वहां पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी हमारे पास मौजूद है। हमारे इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कई फ्लॉज हैं, कई खामियां हैं, बहुत ज्यादा सारे निकायस हैं। तो हम इन निकायस की जो कैपेसिटी है या इन निकायस को जो खत्म करने का सिस्टम है, उसको उसके लिए बेहतरीन जो टूल हम यूज कर सकते हैं वो है हमारी फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस की मदद लेकर हम बहुत से ऐसे जराइम, बहुत से ऐसे हमारे जो जराइम हो जाते हैं और उनको करने वाले उनके मास्टरमाइंड, उनके प्लानर, उनके एग्जीक्यूटर, उनके फैसिलिटेटर, ये सब लोग इतने प्लान तरीके से जुर्म सरजद करते हैं कि हमारा जो मुजरमों तक पहुंचना उसको डिफिकल्ट बना देते हैं। तो इस जो हमारी ये जो खामी है, इसको ओवरकम करने के लिए हमें फॉरेंसिक साइंस को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास
पाकिस्तान के 22 करोड़ आबादी वाले मुल्क के अंदर सिर्फ एक फॉरेंसिक साइंस लैब वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास, बाकी दिगर सूबे और हमारी कैपिटल टेरिटरी इस सहूलत से महरूम है। तो हमारी एक लैब के ऊपर 22 करोड़ आबादी का बर्डन है, हमें इसको भी एक्सपेंड करने की जरूरत है, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये भी करना चाहिए कि हम उस लैब को एक यूनिवर्सिटी में या एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में तब्दील करें, ताकि हम फ्यूचर में जो अपने साइंटिस्ट हैं फॉरेंसिक साइंस के हवाले से वो भी पैदा कर सकें। तो हम बात कर रहे थे कि रिसर्च के अंदर या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इस साइंस का क्या करना। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो फॉरेंसिक साइंस है इसको प्रोबेटरी साइंस का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इसकी मदद से हम प्रोबेटरी पीस ऑफ एविडेंस डिजाइन करते हैं और हम उस जुर्म जो सरजद हुआ था उस तक पहुंचने के लिए जो कनेक्शन है वो हम फॉरेंसिक साइंस की मदद से जोड़ते हैं। मैं इसकी एक रियल टाइम आपके सामने एग्जांपल रखना चाहता हूं कि हमारे 2017 का शायद ये वाकया है जब कसूर के अंदर एक छोटी सी बच्ची माइनर गर्ल जो रेप का शिकार हुई और बाद में उसको कत्ल भी कर दिया गया, जैनब कत्ल केस। हम सब इस हवाले से बहुत ज्यादा हमने मीडिया के ऊपर सुना और टीवी के ऊपर सुना। जैनब कत्ल केस के जो मुजरम थे वो उसी मजमे के अंदर शामिल थे जो मजमा एहतजाज कर रहा था जैनब को हकूक दिलाने के लिए, जैनब की जो जैनब का जो कत्ल था उसके वारसान को उसका हक दिलाने के लिए वो उसी मजमे के अंदर शामिल थे। लेकिन हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी उन्होंने जब फॉरेंसिक साइंस का सहारा लिया तो बहुत ही कम वक्त के अंदर उन्होंने इस जो ये जो जैनब कत्ल केस था इसको उन्होंने सॉर्ट आउट किया और मुजरमों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया थ्रू डीएनए और दीगर जो मौके से इकट्ठे होने वाले शवाहिद थे उनकी मदद से उन्होंने मुजरमों को अपने कैफे किरदार तक पहुंचाया। अब अगर हम बात करें कि अल्टीमेटली हमारे पास जो दस्तयाब सिस्टम है इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए हम किस तरह से मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस या मेडिकल साइंस या फॉरेंसिक साइंस की मदद से मदद लेकर हम जो मुजरमों को कैफे किरदार तक पहुंचा सकते हैं। उसमें सबसे पहली और जो अहम चीज है वो ये है कि इस साइंस का इस्तेमाल किन मौकों पर किया जाए। हमारे मुल्क में रियासती दहशतगर्दी जो है वो एक हमें बहुत ज्यादा उसको हम फेस करना पड़ता है कि आए रोज हमारे मुल्क के अंदर बम धमाके होते हैं या उसके अलावा कोई टेररिस्ट जो है वो बड़ी प्लानिंग के साथ अटैक करते हैं, जैसे हमारे मुल्क के अंदर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर हमला किया गया। उसके अलावा हमारी मसाजिद इमाम बारगाहें चर्च दीगर ऐसी जो प्लेसेस हैं जो मजहबी इबादतें कहलाती वहां पर हमले किए गए, हमारी जो आर्मी की इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर हमले किए गए। तो इस तरह की जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात हैं इन मौकों के ऊपर हमें फॉरेंसिक साइंस की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हमें कोई इंफरादी फैमिली या इंफरादी शख्स का कोई ऐसा मैटर हो जाता है जहां किसी माइनर गर्ल को अबडक्ट कर लिया जाता है फिर उसके साथ रेप किया जाता है और फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है। सिमिलरली आई रोज हमें ये भी पता चलता है कि किसी फलां शहरी के घर के ऊपर डाकू जो है वो बड़ी प्लानिंग के साथ हमलावर हुए, घर के अफराद को उन्होंने जो है वो ज़दोको किया, घर से कीमती माल लूट कर जो है वो फरार हो गए, बैंक डायकोटी होगी। उसके अलावा दीगर राहजनी के वाकयात या कोई ऐसा हादसा जो कि हमारी आर्मी या हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके किसी इंस्टॉलेशन के ऊपर या उनके दफातर के ऊपर या उनके पर्सोनल्स के ऊपर हमलावर होते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें जो है वो उनकी प्लानिंग दहशतगर्दों की या जो जुर्म करने वाले अफराद हैं उनकी प्लानिंग बड़ी जो है वो जदीद तरीन तरीकों से वो प्लान करते हैं चीजों को, तो उस प्लानिंग को तोड़ करने के लिए हमें फॉरेंसिक साइंस का सहारा लेना पड़ता है। अब अगर हम बात करें कि फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल किस जो वकूआ या किसी इंसिडेंट के ऊपर जो है वो कहां से और कब शुरू होगा, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा,
तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल के लिए या फॉरेंसिक साइंस की मदद लेने के लिए जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा क्राइम सीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्राइम सीन के ऊपर किस तरह से साइंस की मदद लेनी है, किस तरह से हमने फॉरेंसिक साइंस की मदद लेनी है और उसकी मदद से हम क्राइम सीन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्राइम सीन को अगर हम देखें तो हमारे यहाँ क्राइम सीन के अंदर एक अननेसेसरी फैक्टर हमारी जनरल पब्लिक होती है। हमारे यहाँ कहीं पे कोई हादसा हो जाए, बम धमाका हो जाए, कोई फायरिंग का वाकया हो, मैस डिजास्टर आ जाए, तो जनरल पब्लिक फौरन वहां पर एक हजूम एक मॉब की सूरत में इकट्ठी हो जाती है। या तो वो डेंजरस हो जाती है, मॉब की शक्ल इख्तियार कर ले, तो वो तोड़फोड़ आग लगाना इस तरह के वाकयात में वो एक एक्सट्रीम पोजीशन ले जाती है, या फिर वहां पर इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठी होकर दहशतगर्दों को एक और वाकया जो है वो प्लान करने का और उसको एग्जीक्यूट करने का मौका फराहम करती है। इसके मैं रियल टाइम अगर आपसे आपके सामने एग्जांपल रखूं तो इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल हमारे सामने क्वेटा में लॉयल्स कम्युनिटी के ऊपर एक अटैक हुआ और वो अटैक बड़े ही एहसन तरीके से एक ऐसा लफ्ज यूज करना पड़ रहा है कि वो हम मतलब दहशतगर्दों के अपने माइंड के अकॉर्डिंग एक वेल प्लान वो जो इंसिडेंट था डिजाइन किया उन्होंने। वहां पर क्वेटा में उन्होंने क्या किया कि एक जगह पर हमला किया, उस हमले के बाद वहां पर बहुत सारे जो कम्युनिटी के लोग थे, जो वहां पे पेडिस्टेरियंस थे, जो गुजरने वाले थे, वो सब लोग वहां पर हॉस्पिटल के पास इकट्ठे हो गए। तो जब हॉस्पिटल के पास इकट्ठे हुए तो दहशतगर्दों ने वहां हॉस्पिटल के अंदर एक और हमला कर दिया जिससे कम से कम 100 से ज्यादा लोग उसमें जो वो शहीद हो गए। तो ये जो हमारा एक है अपना क्राइम सीन को ऑर्डर ऑफ करना और क्राइम सीन को मैनेज करना फॉरेंसिक साइंस के लिए सबसे अहम और बुनियादी आंसर है। अब हम बात करते हैं कि क्राइम सीन को जैसे ही कोई इंसिडेंट हो, कोई इत्तला मिले कि फलां जगह पर बम धमाका या दहशतगर्दी का वाकया वो हो गया है, तो वहां पर सबसे पहले जिन एजेंसीज को रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो एजेंसीज वहां पर पहुंचे और एजेंसीज वहां पर पहुंच कर उस क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ करें और कॉर्डन ऑफ करने के बाद वहां से फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज करें। अब अगर हम क्राइम सीन की बात करें तो क्राइम सीन हमारे पास तीन तरह के क्राइम सीन हो सकते हैं, एक क्राइम सीन आउटडोर क्राइम सीन, एक क्राइम सीन इनडोर क्राइम सीन। अब अगर हम बात करें आउटडोर क्राइम सीन की तो आउटडोर क्राइम सीन से मुराद ऐसा क्राइम सीन है कि हमारा जो इंसिडेंट है, जो वकुआ सरजद हुआ है, वो किसी ओपन जगह पर सरजद हुआ है, जैसे कि सड़क, कोई चुराहा या किसी ऐसी खुली फिजा या खुली जगह, किसी स्टेडियम में या किसी रोड के ऊपर कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हो। अब जब ऐसी जगह पर कोई दहशतगर्दी का वाकया सरजद हो जाए तो वहां हमारी जो एविडेंस कलेक्शन का सिस्टम या तरीकाकार होता है, वहां पर हमारी एविडेंस उसके अंदर हमें ओपन क्राइम सीन के अंदर जहां हमें एविडेंस कलेक्ट करने के अंदर एडवांटेजेस मिलते हैं, वहीं हमारे लिए कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हम क्राइम सीन ओपन क्राइम सीन के ऊपर अगर हम देखें तो वहां पर हमारे पास ये बेनिफिट होगा हमें कि डे लाइट का फुल यूज कर सकते हैं। वहां पर हम कोई माइक्रो लेवल का भी हमारे पास अगर कोई एविडेंस होगा, जैसे कि वहां पर ब्लड स्टेन्स होगी, वहां पर जो विक्टिम या जो टेररिस्ट होगा उसके बाल हमें वहां से मिल सकते हैं, वहां हमें उसके कपड़ों के टुकड़े मिल सकते हैं, वहां पे अगर दहशतगर्द ने अपने आप को सुसाइड ब्लास्ट किया है और ऐसी कोई सुसाइड जैकेट पहनकर
या खुद वो उस हमले के अंदर अपने आप को बारूद के साथ उड़ा लेता है, तो उसकी जो जिस्म है उसकी छोटी छोटी पुटियां वहां से हमें डीएनए की सहूलत के लिए मिल सकती हैं, वहां कपड़ों की जो पुर है वो मिल सकती है। अब अगर किसी ने कोई ड्रिंक लिया है, कोई ईटेबल लिया है, वहां हमें वो मौके से मिल सकती है कि हमें डे लाइट की सहूलत हो सकती है। लेकिन वहीं पर अगर हाई या लो टेम्परेचर जो है वो भी हमारी एविडेंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं, हमारी एविडेंस को जाया कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कंपैरेटिवली आउटडोर क्राइम सीन के अगेंस्ट इनडोर क्राइम सीन की, तो इनडोर क्राइम सीन हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए, एविडेंस कलेक्शन के लिए हमारे लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। अगर इनडोर क्राइम सीन के ऊपर हमारी लाइट का कोई इशू हो तो हम आर्टिफिशियल लाइट से उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन वहां हमारी जो एविडेंस है वो जाया होने का खदशा नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ इनडोर क्राइम सीन और आउटडोर क्राइम सीन के साथ साथ हमारे पास जो एक और क्राइम सीन की कैटेगरी है वो है कन्विंस क्राइम सीन। अब कन्विंस क्राइम सीन से मुराद ऐसा क्राइम सीन है कि जो किसी गाड़ी, किसी मुसाफिर बस, किसी रेलगाड़ी, किसी मास ट्रांजिट सिस्टम की कोई बस है उसके अंदर, किसी जहाज के अंदर, किसी जो है वो बैरी जहाज के अंदर कोई ऐसा हादसा जो कि दहशतगर्दी का वाकया हो, या कि किसी जुर्म करने वाले ने उसको डिजाइन करके जुर्म किया हो, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमें करना पड़ती है। लेकिन इन तीन कैटेगरीज के अंदर सबसे डिफिकल्ट या सबसे ज्यादा जिसमें एविडेंस के जाया होने का खदशा होता है वो हमारी कन्विंस क्राइम सीन है। कन्विंस क्राइम सीन के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास एक 2007 में होने वाला दहशतगर्दी का वाकया है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा ताकि हमें ये अंदाजा हो सके कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट है कन्विंस क्राइम सीन के अंदर एविडेंस को कलेक्ट करना। नाज़रीन 2007 की बात है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस के अंदर तकरीबन 70 से ज्यादा मुसाफिर जो थे वो लुकमाया चल पाए। दहशतगर्दों ने प्लानिंग के साथ उस ट्रेन को आग लगाई, उसमें ब्लास्ट किए और उसके नतीजे में 70 से ज्यादा जो मुसाफिर थे वो उसमें जान खाक हो गए। अब एक चलती हुई ट्रेन के अंदर जब आपने आग भी लगा दी, दहशतगर्दों ने उसको आग भी लगा दी और ब्लास्ट भी कर दिया, तो वहां जो था वो मुसाफिर चलकर राख हो गए। उनकी डीएनए के जरिए फिर उनकी शनाख्त की गई, जहां पर अगेन हमने फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की कि इनका जेंडर क्या था, इनका रिलीजन क्या था और किस तरह से ये लोग जो है वो अब आइडेंटिफाई करके हम उनको इनके वारसान के हवाले कर सकते हैं। अब क्राइम सीन के बाद हमारे पास जो फॉरेंसिक साइंस को इस्तेमाल करने का अगला पैटर्न या अगला मरहला जो है वो होता है हमारा इंक्वेस्ट रिपोर्ट। नाज़रीन जैसे ही कोई वाकया, कोई जुर्म सरजद होता है और सरजद होने के बाद कोई शख्स किसी को कत्ल कर देता है, कत्ल करने के बाद उसकी लाश जो है वो उसी तरीके से पड़ी हुई है जमीन के ऊपर या किसी बेड के ऊपर, किसी चारपाई के ऊपर या किसी ऐसी जगह पर जहां के कत्ल करने वाले ने मक्तूल को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसको फेंक। अब जब हमारी जो रिस्पॉन्डिंग एजेंसीज हैं उनको जब इस हवाले से इत्तला मिलेगी या कोई इंफॉर्मेटर किसी पुलिस स्टेशन में किसी को इत्तला करेगा तो सबसे पहले पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचेगी। पुलिस मौके पर पहुंचकर उसका एक सरसरी जायजा लेगी, हालातों वाकयात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद
वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म के ऊपर जिसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट या रिपोर्ट मर्क तभी और गैर तभी यानी नेचुरल और अननेचुरल जिस भी तरीके से वो डेथ हुई है वो उसकी बॉडी की जो आउटलुक है जो बाजाहिर हमें नजर आ रहा है वो उसका जायजा लेकर एक रिपोर्ट मुरतब करेगा। इस रिपोर्ट के डिफरेंट जो है वो इसके अंदर कॉलम्स बने होते हैं। अगर हम बात करें तो इसके ऊपर टोटल 22 कॉलम्स इंक्वेस्ट रिपोर्ट के ऊपर होते हैं। इस रिपोर्ट की मदद से भी हम बहुत सारी एविडेंस को जो है ना वो मैयर कर सकती हैं, एविडेंस को देख सकते हैं। हम उसमें ये देखते हैं कि वो जो मरने वाला है वो मर्द है या औरत है, मर्द या औरत है। उसके बाद उसने लिबास कौन सा पहना हुआ है, किस कलर का लिबास पहना हुआ है, उसकी बजाहिर उम्र कितनी नजर आ रही है, बजाहिर वो सेहतमंद जिस्म वाला नजर आ रहा है या दुबला पतला नजर आ रहा है या कमजोर नजर आ रहा है, बजाहिर उसकी जो लुक है क्या मरे हुए शख्स की आंखें खुली हुई थी या बंद थी। क्योंकि बतौर मुसलमान हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जब भी हमारे हमारे इंसानों की मौजूदगी के अंदर कोई शख्स फौत होता है तभी मौत मरता है, तो बतौर मुसलमान हम उसका जो हमारा रिलीजियस सिस्टम है उसके तहत हम उसकी आंखें बंद कर देते हैं, उसकी जो पांव है उनको साथ मिला देते हैं और उसके बाजू उसकी उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये गैर तभी मौत होगी तो फिर ये लवाजमात जो है ये पूरे नहीं किए गए होंगे उस लाश को मौके के ऊपर। फिर उसके बाद हम उसमें ये देखते हैं कि बजाहिर उसके जिस्म के ऊपर किसी किस्म का कोई निशान मौजूद है, उसके जिस्म के ऊपर कोई जख्म मौजूद है, कोई जरबात इंजरीज मौजूद है, वो इंजरीज ब्लंट फोर्स की भी हो सकती है, वो स्टैब वुंड भी हो सकते हैं, वो कोई तेज धार आला इस्तेमाल करके भी हो सकते हैं, वो पंचर वुंड भी हो सकते हैं, वो चॉप वुंड भी हो सकते हैं, उसको किसी ने टुके के साथ कलहाड़ी के साथ आरी ब्लेड के साथ काटा भी हो सकता है, वो फायर आर्म इंजरीज भी हो सकती है, बर्निंग भी हो सकती है। ये तमाम जो इंजरीज की टाइप है वो उसके बजाय डेड बॉडी से हमें नजर आ रही होंगी, तो वो जो ऑफिसर उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करेगा वो भी उनको वहां पर लिखेगा कि इसकी ये जो बजाही इसके जिस्म के ऊपर जो थी वो जरबात नजर आ रही थी। ये सारी चीजें तैयार करने के बाद वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट को कंप्लीट करेगा और कंप्लीट करने के बाद अमल शुरू हो जाएगा। अब जब पोस्टमार्टम का अमल शुरू होगा तो यहां हम थोड़ी देर के लिए अपनी बात को रोकते हैं और बात करते हैं हम डीएनए की। डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए फॉरेंसिक साइंस का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मास डिजास्टर के अंदर काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित होता है। मास डिजास्टर से यहां क्या मुराद है? मास डिजास्टर से मुराद ये है कि कोई एरोप्लेन क्रैश कर जाता है तो जैसे ही वो जमीन पर गिरेगा उसके दोनों विंग्स के अंदर फ्यूल ह्यूज क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है, तो जैसे ही वो जमीन पर गिरता है उसको आग लग जाती है। जब आग लगती है तो वो एरोप्लेन के अंदर जितने मुसाफिर सवार होते हैं अगर वो उनमें से ना बच सके तो एरोप्लेन की क्रैश के दौरान उनमें से बहुत से लोगों के लिए ये मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग उसमें जो है वो आग के अंदर जल जाएं। इसी तरह कोई हादसा ऐसा होता है कि किसी वैन के अंदर सिलेंडर गैस सिलेंडर फट जाता है, इसी तरह किसी बस के अंदर आग लग जाती है, किसी
इवेंट के दौरान किसी हॉल के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हों, वहां कोई आग लगने का वाकया हो जाए, तो आग लगकर जलकर जब बहुत ज्यादा तादाद में लोग मर जाए, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो सबसे बड़ी फॉरेंसिक साइंस की सहूलत मिलती है वो है डीएनए। डीएनए के थ्रू हम उन लोगों का एज डिटरमिन कर सकते हैं, उन लोगों का जेंडर डिटरमिन कर सकते हैं, हम उन लोगों को जो है वो ये डिटरमिन कर सकते हैं कि उनका रिलीजन क्या था, हम उनको ये डिटरमिन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डेड बॉडी जो है उनको सर अंजाम देने के लिए उसको लवाही मालिक के हवाले कर सके। Is there any issue? Okay. तो डीएनए जो है, डीएनए की हमें जो फैसिलिटी है वो फॉरेंसिक साइंस के थ्रू या फॉरेंसिक लैब से मिलती है। डीएनए के मास डिजास्टर के अलावा दीगर और कई मौकों पर हम डीएनए का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आए रोज देखते हैं कि हॉस्पिटल में बच्चे जो है वो न्यू बॉर्न बेबीज एक्सचेंज कर लिए जाते हैं, जिनको बेबी बॉय की ख्वाहिश होती है, वो अगर उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो जो ऐसे लालची लोग माशरे का आंसर होते हैं उनको एक्सचेंज कर देते हैं। कुछ लोग किडनैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों को एक्सचेंज कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में जब बच्चों को हमने ये डिटरमिन करना हो कि ये न्यू बॉर्न बेबी किस पेरेंट से बिलोंग होता है, वहां भी हम डीएनए की जो सहूलत है उसका फायदा ले सकते हैं। इसी तरह अगर कोई डिजास्टर के दौरान या किसी ऐसे संदिग्ध शख्स ने किसी शख्स का मर्डर किया है और उसके जो ऑर्गन्स है उनको अलग अलग करके या उसको टुकड़ों में चॉप कर देता है, चॉप करके उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए कुछ टुकड़े कहीं पे फेंक देते हैं, कुछ टुकड़े कहीं पे फेंक देते हैं, तो बजाहिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं, तो हम उन पार्ट्स को फिर लैब में भेजकर डीएनए करवाकर हम डिटरमिन कर सकते हैं कि ये शख्स किस फैमिली से बिलोंग करता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि डीएनए का एक रियल टाइम जो केस रिजॉल्व किया हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने वो था सियालकोट मोटरवे पर पेश आने वाला एक अंधाधुंध नजरिया। इस वाक्य के अंदर हमने देखा था कि एक फॉरेनर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी फीमेल जो थी वो मोटरवे से सफर करके लाहौर से सियालकोट जाना चाह रही थी, रास्ते में उसका फोन खत्म हो गया गाड़ी का, उसने व्हाट्सएप के थ्रू अपने जो रिलेटिव्स थे उनके साथ कांटेक्ट किया, लेकिन जब तक उसको उन रिलेटिव्स की मदद पहुंची उससे पहले वहां पर मौजूद कुछ जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने उसको उसके साथ रेप किया, उसके बच्चों के सामने रेप किया, लेकिन फिर डीएनए की मदद से कुछ ही दिनों के वक्त में से वो तमाम जो जराइम पेशा अफराद थे वो सारे के सारे सिक्योरिटी एजेंसी ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया है। अब डीएनए के बाद अगर हम बात करें फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल की तो हमें इसका जो इस्तेमाल नजर आता है कि मेडिकल ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के अंदर, पोस्टमार्टम के अंदर अगर हम बात करें तो हमें डिटरमिन करना होता है कि आया ये जो डेड बॉडी हमारे सामने मॉर्चरी में पड़ी हुई है इस डेड बॉडी के साथ क्या ऐसा हुआ कि ये इसकी मौत वाकया, यानी हम कॉज ऑफ डेथ को फाइंड करने की
कोशिश करते हैं। अब कॉज ऑफ डेथ को फाइंड करने के लिए हम ये जानना चाह रहे होते हैं कि आया इसकी डेथ नेचुरल है या अननेचुरल है। अगर अननेचुरल है तो क्या इसको पॉइजन दिया गया था, क्या इसको किसी पर्सन ने मौत के घाट उतारा है, या इसकी डेथ नेचुरल एक्सीडेंट के थ्रू। अब इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम देखें तो हमें किसी भी पड़ी हुई लाश को ये चीज निकालने के लिए जरूरी है कि हम ये समझ सकें कि इसकी मौत की वजह क्या थी। उस वजह पर पहुंचने के लिए फिर हम बहुत से दीगर टूल्स को भी इस्तेमाल करते हैं और करने के बाद हम उस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस शख्स की कॉज ऑफ डेथ क्या है। इसके साथ हमें जब जब डेड बॉडी हमारे मॉर्चरी में आती है तो वहां उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम जो सिस्टम है मेडिकल ऑफिसर उसका पोस्टमार्टम करता है। पोस्टमार्टम करने के बाद उसके जिस्म से कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो निकालकर केमिकल एग्जामिनर टेस्ट के लिए भेज दिए जाते हैं और कुछ ऑर्गन जो हैं वो फॉरेंसिक लैब में भेज दिए जाते हैं ताकि डिटरमिन किया जा सके कि ये मकतूल जो शख्स है, जो डेड बॉडी है, इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या है। इसी तरह अगर हम बात करें तो 6 साल बच्चा उसकी डेथ को डिटरमिन करने के लिए भी हमें फॉरेंसिक साइंस की मदद की जरूरत पड़ती है। बच्चों में खासतौर पर ये पाया जाता है कि बच्चे बजाय हमें लग रहा होता है कि वो बड़े सेहतमंद हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों की जो डेथ है वो स्लीपिंग पोजीशन के अंदर ही बच्चों की डेथ हो सकती है। तो उस डेथ को डिटरमाइन करने के लिए भी जरूरी है कि हम अपना जो साइंस का जो इस्तेमाल है इसको इस्तेमाल करते हुए हम इन ऑर्गन्स को लैब में भेजें और उनसे हम इस बात को डिटरमाइन कर सके। नाज़रीन, ये जो पोस्टमार्टम है इसके अंदर जो सबसे अहम चीज या अहम क्वेश्चन ये डिसाइड करना कि आया कॉज ऑफ डेथ इसकी क्या है, वहीं पर हमें ये क्वेश्चन भी डिटरमिन करना होता है कि ये शख्स मरने वाला कब और कितना वक्त पहले इसकी डेथ हुई। अब इसको डिटरमिन करने के लिए एक इंसानी जिस्म के अंदर एक कुदरती अमल जो है वो तबखीर का शुरू हो जाता है। जब कोई शख्स मरता है तो उसके 6 से 8 घंटों के बाद उसकी डेड बॉडी के अंदर जो प्यूट्रिफिकेशन का अमल है वो शुरू हो जाता है। प्यूट्रिफिकेशन से मुराद गलने सड़ने का, लाश के गलने सड़ने का अमल। वो इंडिगो यानी नील को कलर जो नीला स्याही माइट कलर होता है उसमें वो तब्दील हो जाता है। अब उसके बाद अब 8 से 12 घंटे होते हैं, 8 से 12 घंटों के बाद वो जो डेड बॉडी है वो गलने सड़ने के अमल से शुरू हो जाता है उसके अंदर।
उसके अंदर जो है वो नाक के रास्ते से, आंखों के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, या उसके जो ऐसे जिस्म के ऊपर अगर कोई जर्बात है उसके रास्ते से जो जरासीम है वो दाखिल होकर उसका गलने सड़ने का जो अमल है उसमें संलग्नकारी सेडेशन का रोल होगा। इसके बाद रिगर मॉर्टिस का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। अब रिगर मॉर्टिस जो है वो तीन फेजेस के अंदर डेड बॉडी के अंदर जो है ना वो काम करता है। पहले मरहले में आंखों से स्टार्ट होकर ये पहले 6 घंटों तक जो है वो 6 घंटों के अंदर आंखों से लेकर पेट तक, फिर अगले 2 घंटों में वो पेट से लेकर घुटनों तक और फिर घुटनों से लेकर पांव तक, ये 3 फेजेस के अंदर पांव तक जाकर ये बॉडी को टाइट कर देता है। जो हमें नजर आ रहा होता है कि ये जो डेड बॉडी है ये अकड़ी हुई डेड बॉडी है, ये अमल जो है ये पहले 814 घंटों के अमल अंदर तय पाता है और ये पांव तक जो है वो जाता है। ये पांव से वापस रिटर्न होना शुरू होता है और अगले 8 से 14 घंटों के अंदर ये उसी तरह वापस 3 हिस्सों में, जैसे पहला ये आंखों से शुरू होकर सीने तक, सीने से शुरू होकर पेट तक और फिर पेट से नीचे जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये वापसी का सफर तय करता है पांव से लेकर पेट के निचले हिस्से तक, फिर पेट से निचले हिस्से से लेकर सीने तक और सीने से निचले ऊपर आंखों तक ये वापस आता है। और इस अमल के दौरान जो बॉडी के टिश्यूज है वो टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी जो है वो नरम होना शुरू हो जाती है। अब ये सारा अमल तकरीबन 36 घंटों में तय पाता है। 36 आवर्स के बाद बॉडी जो है वो फिर गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है और ये प्रोसीजर फिर आगे ऑनवर्ड 7 डेज तक चलता रहता है। अब लेट्स सपोज एक डेड बॉडी हमें मरने के जो है वो 10 घंटों के बाद मिली, तो हम ये देखेंगे कि उसके रिगर मॉर्टिस की इस वक्त पोजीशन क्या है। उस पोजीशन से हम डिटरमिन करेंगे कि इस शख्स को कत्ल हुए 10 घंटे हो चुके हैं। अगर रिगर मॉर्टिस जो है वो खत्म के अख्ताम की तरफ होगा तो हम ये देख रहे होंगे कि ये डेड बॉडी जो है ये 18 घंटे पहले इसका कत्ल हुआ, ये 24 घंटे पहले इसका कत्ल हुआ। इस तरह से इस अमल के थ्रू हम किसी भी डेड बॉडी के जो जो उसकी डेथ का टाइम है उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं। इससे आगे अगर हम बात करें तो एग्जुमेशन यानी कब्र कुशाई का मरहला आता है। समटाइम ऐसा होता है कि कोई शख्स कत्ल हुआ उसको किसी ने किसी कब्र के अंदर दफना दिया, अमानतन दफना दिया, या उसके वारसान मौजूद नहीं थे तो उसको दफना दिया, या उसको वैसे किसी ने कत्ल किया और कत्ल करकर उसको तभी मौत करा दिया और उसकी जो मजहबी रसूमात थी उसकी तजहीज और तकफीन करने के बाद उसको दफना दिया। अब ये सारे अमल के बाद या कुछ वक्त गुजरने के बाद हमें ये पता चलता है कि उसको किसी ने जहर देकर मारा था, उसको किसी ने सफोकेशन के थ्रू उसका गला दबाकर मारा था, उसको किसी ने गला घोट कर मारा था, उसको किसी ने साइक्लिंग के अमल के थ्रू हार्ट अटैक करवाया उसका और उसको कत्ल किया गया था। अब जब ये बात सामने आती है तो फिर हमारे सामने एक रुकावट खड़ी होती है, वो ये कि पोस्टमार्टम करने के लिए या एविडेंस कलेक्शन के लिए हमारे पास डेड बॉडी तो मौजूद नहीं होती। तो जब हमारे पास डेड बॉडी मौजूद नहीं होगी तो हम इन्वेस्टिगेशन का अमल मुकम्मल नहीं कर सकते। अब इस अमल को मुकम्मल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस मकतूल शख्स की कब्र कुशाई यानी एग्जुमेशन करना होगी। अब एग्जुमेशन के लिए हमें जो हमारा क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके अंदर एक तरीकाकार दे दिया गया है, उस तरीकाकार को हम अडॉप्ट करते हुए मजिस्ट्रेट से बाकायदा इजाजत लेकर हम कब्र कुशाई करेंगे। कब्र कुशाई करने के बाद फिर उसकी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं
उनको लैब में भेजा जाएगा सैंपलिंग के लिए, ताकि लैब ये डिटरमिन करे कि इस शख्स को पॉइजनिंग दी गई थी या कि ये नेचुरल डेथ। अगर कहीं ऐसा हो कि किसी शख्स को मरे हुए बहुत ही ज्यादा अरसा गुजर गया है और उसके ऑर्गन्स या जो उसका बॉडी थी, उसको जो गलने सड़ने का अमल था, उसका प्यूट्रिफिकेशन का अमल था, वो मुकम्मल होकर वो फोसिस में तब्दील हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में उसके जो नाखून होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसकी कब्र के अंदर या उसके जिस्म के साथ पड़े रहते हैं, तो फिर उसके जो नाखून जो नेल्स हैं उनको लैब में फॉरेंसिक के लिए भेजा जा सकता है और वहां से हम ये बात डिटरमिन कर सकते हैं कि आया इसकी डेथ पॉइजनिंग के थ्रू थी या कि नेचुरल डेथ। नाज़रीन, इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमने सारा अमल अभी तक जो डिस्कस किया, ये हमारा जो अमल था या जो ये जो हमारी गुफ्तगु थी, ये अभी तक किसी मक्तूल शख्स के हवाले से थी। अब हम बात करते हैं कि लिविंग जो पीपल हैं, इंसान हैं, वो जिंदा हयात हैं, उनके साथ अगर कोई जुर्म सरजद हो जाए तो वहां पर हमें फॉरेंसिक साइंस किस तरह से मदद कर सकती है। इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट हमारे सामने आता है वो है रेप केसेस। रेप केसेस में हमें फॉरेंसिक साइंस की मदद से प्रोबेटरी पीस ऑफ एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को हम देख कर ये डिटरमिन कर सकते हैं कि आया विक्टिम जो है, रेप का जो विक्टिम है, उसके साथ जो अटेम्प्ट करने वाला जो हमारा मुलजम है, क्या ये वही है जिसके ऊपर हमने जिसको एलिगेट किया है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए। तो ऐसे जो रेप के केसेस हैं, रेप के केसेस में हमें जो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती है। विक्टिम के साथ अगर जो रेप है वो बाय फोर्स किया गया हो, तो फिर विक्टिम और विक्टिम के जो नाखून होंगे वो उसने उसके जिस्म को क्रोच कर मारे होंगे, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश की होगी, तो ऐसी सूरत में उसके जो नेल्स हैं उनको काट कर प्रिजर्व कर किया जाना चाहिए और किया जा सकता है, ताकि उसके अंदर उस शख्स का जिसने वो रेप करने की कोशिश की है उसका डीएनए लेकर उसको मैच किया जा सके और ये डिटरमिन करने में आसानी रहे कि इस मुतासरा जो जो विक्टिम है रेप का, उसके साथ जिस पर्टिकुलर शख्स ने ये रेप करने की कोशिश की या किया है वो वही शख्स है जिसके ऊपर हमने इल्जाम लगाया। इसी तरह जो विक्टिम होगा रेप का, उसके जो क्लॉथ्स जो उसने पहन रखे होंगे, जो उसका आउटफिट होगा, उस आउटफिट को भी हम प्रिजर्व करके ये जानने की कोशिश कर सकते हैं या लैब में भेजकर उसके ऊपर जो जो उसके कांटेक्ट में उस वक्त जो शख्स आया होगा वो मुतासरा शख्स के कांटेक्ट में जो शख्स आया होगा उसकी कपड़ों की जो वूल है वो भी उसके ऊपर ट्रांसफर हुई होगी, उसके कपड़ों के ऊपर उसका फुल बाल भी ट्रांसफर हुआ हो। हम उसके विक्टिम के जो आउटफिट है उसको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए एविडेंस के लिए हमारे काम आ सकता है। इसी तरह ब्लड स्टेन्स, अगर उसके जिस्म बाय फोर्स और अगर उसकी वर्जिनिटी जो है वो फर्स्ट टाइम अगर उसके साथ
ये रेप हुआ है तो उसकी वर्चुअलिटी जब लूज हुई होगी तो उस वक्त वहाँ जो सिचुएशन जो होगी वहाँ लैंड हम लेकर उसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं, वो भी हमारे काम आ सकता है एविडेंस के पर्पस के लिए। इसी तरह अगर इंटरकोर्स के दौरान जो मेल है उसके विक्टिम के जो ऑर्गन्स हैं पर्टिकुलर उनसे हम स्वैब्स कलेक्ट करके उनको भी प्रिजर्व कर सकते हैं, वो भी हम डीएनए के लिए बेस कर ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जिस शख्स के ऊपर इल्जाम लगा था आया इस मुतासर शख्स के साथ सीने रेप किया था, ये उसका अगर मैच कर जाएगा डीएनए तो अंडरस्टूड है कि वही इस मुतासर शख्स के साथ जो है वो जुर्म करने का मुर्तकिब हुआ। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए जो हमारा बुनियाद होगी वो होगी प्राइमरी डेटा कलेक्शन। किसी रेप के मुतासरा शख्स से जब मेडिकल ऑफिसर उसके साथ गुफ्तगू करेगा तो वो उससे कुछ प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेगा, वो उससे उसका नाम उसकी जो पेरेंटल आइडेंटिटी है वो पूछेगा, उसके बाद उसका जो है वो कैफियत उसकी उसका जायजा लेगा, उसका एड्रेस पूछेगा, उसका ऑक्यूपेशन पूछेगा, उसकी एज पूछेगा, उसका सोशल स्टेटस पूछेगा, आया वो मैरिड है अनमैरिड है, उसके बाद डेट एंड टाइम जिस वक्त ये उसके साथ फेल सर्जन हुआ उसका, और जब वो उसकी अराइवल की डेट एंड टाइम है वो पूछी जाएगी, उसकी कंसेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ली जाएगी। अब उसकी कंसेंट लेने के बाद जो है वो उसके जो स्वैब्स हैं, उसके जो बाल हैं, उसके नेल हैं, या कोई उसकी बॉडी के ऊपर कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट के दौरान कोई उसके जो ब्लड है या कुछ सब के ऊपर कोई मार्क्स हैं, उन सब चीजों को वहां पर हम प्रिजर्व करके बतौर एविडेंस यूज कर सकते हैं। टाइम प्लीज। अब इन सारी चीजों को करने के बाद हम जो है वो हमारा जो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके अंदर हम इन सारी स्टेप्स को फॉलो करके एक एविडेंस स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट करके हम उन मुजुर्मों को अपने किरदार तक पहुंचाने में किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन इस किरदार को अदा करने के लिए जो हमारे लिए बुनियादी फैसिलिटेटर होगा वो होगी हमारी एडवांस फॉरेंसिक लैब और हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम का जो एडवांस बुनियादों पर किसी भी एविडेंस को कलेक्ट करने का सिस्टम। ये दोनों जो हमारे पैटर्न्स हैं या ये दोनों हमारे जो एक पार्टिसिपेंट या इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तरफ हमारी लैब्स दूसरी तरफ हमारे वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स जो के एविडेंस को कलेक्ट करने के माहिर, जब इसमें हम खुद कफील और एडवांस हो जाएंगे तो फिर हम एक शानदार किस्म की जो फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल और उसकी रिसर्च और उसकी यूटिलाइजेशन करके हम इसको इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हम मुजुर्मों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अपना वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। तो फौजदारी जो निजाम इंसाफ है इसके अंदर इसका फॉरेंसिक साइंस का जो है वो इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमने अपने सामने देखा जैनब कत्ल केस में भी हमने देखा कि मुलजमान तक पहुंचने के लिए हमें फॉरेंसिक साइंस का सहारा लेना पड़ा, हमने सियालकोट मोटरवे रेप केस में भी देखा, हमने जो हमारा हमारे जो आर्मी पर्सोनल थे वो उनकी मूवमेंट के दौरान एक ट्रेन के साथ हादसा पेश आया था, हमने उसमें भी देखा, हमने समझौता एक्सप्रेस में भी देखा। ये सारे वो वाकयात है कि जिनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो हमने साइंस की मदद से ली
और साइंस का ही इस्तेमाल करते हुए हमने बेहतरीन नतीजे जो थे वो देकर मुल्जिमों को सजा दिलवाने में कोर्ट्स को फैसिलिटेट किया, प्रोसिक्यूशन को फैसिलिटेट किया और हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लेवल को भी अपग्रेड किया। तो यही आज का हमारा जो बेसिक लेक्चर का जो थीम था कि किस तरह से हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ के अंदर फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल करते हुए या उसके हवाले से हम जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट करते हुए कैसे हम मुल्जमान को कैफे करदाता पहुंचाने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपके तागुन का, आपके पार्टिसिपेशन का, आपके वैल्यूएबल टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।